नमस्कार। सबसे पहले मैं बतौर सेक्रेटरी डीएलएस से ये कहना चाहता हूँ कि अगले 15 मिनट हम जो इधर बैठे हैं, इसका पर्पस ये है कि 11 नौ को हमारी नेशनल लोक अदालत है। नेशनल का मतलब यह है कि हम पूरे नेशन में ये करते हैं, यानी कि ये केवल हिमाचल और सिरमौर तक सीमित नहीं है। और कोरोना में 10 जुलाई को जो हमने नेशनल लोक अदालत किया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बहुत अप्रिशिएट किया है। हमारे मीडिएटर्स, हमारे एडवोकेट्स जो रोल अदा कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि बार को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है पति पत्नी मैट्रिमोनी, ये लीगल प्रॉब्लम है, ये एक सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रीति गुप्ता स्टेट ऑफ झारखंड ने यह कह दिया कि बार को उनकी एथिक्स की याद होनी चाहिए कि एक केस का 10 बीमारी ना बनाए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी डाल दिया, सीआरपीसी में भी डाल दिया, फैमिली कोर्ट में भी डाल दिया, मैट्रिमोनियल भी डाल दिया, लेकिन बार कहीं ऐसा नहीं कि बार। तो इन सब चीजों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजनीश वर्सेस नेहा जाना बहुत जरूरी है। इस नेशनल लोक अदालत में इन चारों चीजों का यूज एक जज साहब करेंगे बतौर चेयर। रजनीश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 125 से 128 सीआरपीसी की बात कही है, ना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। लेकिन वहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पति और पत्नी यही झगड़ा रहता है कि वो 10,000 कमाती है, वो 20,000 कमाता है, और सारे कुछ भी बोलते हैं, और जज साहब फिर कैसे एस्टिमेट करते हैं, गेस करते हैं। ये साइंस नहीं है। आर्टिकल 51A का एच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, और जज जो है वो रैशनलिटी के लिए जाना जाता है। तो वो डिस्क्रिप्शन जुडिशियल है, इसलिए रजनीश वर्सेस न्याय के बैचर में आपके दिमाग में डाउट आएगा, बट हाउ इज रिलेवेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का रूल है, 2006 में फ्रेम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका रूल 6 एंड 10 को अगर साथ में पढ़े तो कहता है कि मॉनेटरी यानी मेंटेनेंस का 10 सुपर 125 टू 128 सीआरपीसी। इवन अगर हम सीनियर सिटीजनशिप एक्ट देखें तो उसमें भी जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो चैप्टर 9 ही है, यानी कि घूम फिर कर सीआरपीसी एक सिविल रेमेडी को समरी प्रोसीजर की तरह इन्फोर्स करवाती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2 दिन में सर्विस लिखा हुआ है, क्या ये पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है? सर्विस भी नॉर्मल सब प्रोसेस एजेंसी नहीं कराई, प्रोटेक्शन ऑफिसर करवाएंगे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट्स को पावर दी 2 दिन में सर्विस करवाने की, एंग्जाइटी बड़ी क्लियर है कि फास्ट काम। कोरोना में चाहे कोर्ट फिजिकली थोड़े से हैंडीकैप महसूस कर गए, मगर काम नहीं हुआ वर्चुअली, और वर्चुअल सर्विस और ज्यादा फास्ट है। व्हाट्सएप के 2 ब्लूटेक या SMS काफी है, तो सर्विस क्यों मिले? और सर्विस चाहे प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू, जज साहब कभी भी DIR यानी नॉट FIR, DIR डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर से मंगवा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, और कोर्ट का इन सारे एक्ट में आर्टिकल 142 में जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कंप्लीट जस्टिस की पावर होती है। ये जो मैंने एक्ट बनाया हिंदू मैरिज एक्ट, और ये छोटा सा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैंने अगर आप ध्यान देते इसमें ये वाला एक्ट भी कंप्लीट नहीं है, वरना मैंने ऋषि भगवान दिखाया हुआ है। PORO MO CO CO यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंशियल ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, यानी कि इस धरती पे जितने भी पॉसिबल है रेमेडी एक लड़की के लिए वो इस एक्ट में दिए गए, इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। और इसमें एक बता वर्ष बता के बाद कंफ्यूजन आ गई, शेयर हाउसहोल्ड का मतलब क्या होता है। अहूजा ने अहूजा वर्ष अहूजा में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई किया, लेकिन फिर दूसरा झगड़ा, एक पति बेचारा कहता है मैं बहू पर रखूं तो मेरे माँ बाप ना रहा, और मेरे माँ बाप पर रखूं तो बहू ना रहा, माँ बाप कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी है तो हम तो एडिक्ट कर देंगे, हम बहू को एडिक्ट कर देंगे। जज साहब अब जज साहब को कंफ्यूज हो गए, त्रिशंकु वाली सिचुएशन आ गई ना, कि माँ बाप कहते प्रॉपर्टी तो मेरी है, बहू को तुमने रखना है, किराए पर रख जाके। सुप्रीम कोर्ट ने अहूजा के लिए क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये दोनों एक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, लेकिन लड़की जो एग्रीड है उसको जज साहब को ये बताना पड़ेगा, ये कहेगा डॉक्टर अहूजा के जजमेंट है कि सर मुझे एक इस तरह का लीक मिला हुआ है रेजिडेंशियल ऑर्डर का, शेयर हाउस होल्ड में, चाहे आपके बेटे का जो मेरा पति है, चाहे उसको मालिक नहीं है उस घर का, मगर शादी करके मेरे को इस घर में लाया था, मेरा रहने का हक है इस घर में, ये जज साहब को बताना होगा। तो इसका ये मतलब नहीं जो बुजुर्ग सिटीजन है हमारे, सीनियर सिटीजन, मालिक तो वो,
तो जज साहब बैलेंस ढूंढे, लड़की को भी ठगा महसूस नहीं कराना है और बुजुर्गों को भी नहीं, लेकिन ये तब होगा जब लड़की या बुजुर्ग कोर्ट को बताएंगे। तो ये ड्यूटी अमजा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में दो जगह और पहुंची और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका फिलहाल जवाब दे दिया है कि लड़की या जो भी बुजुर्ग है उसको कोर्ट को बता देना है और जज साहब उसको फॉर्म की क्वेरी भी करेंगे। आइडियल जस्टिस नहीं आ सकता। ये जो गलतफहमी है कि लोक अदालतों में लोग लगा रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज आइडियल होता है, सारे खुश हो जाते हैं, मिल गए नहीं, वो जरूर है कि एडजुडिकेशन में विन और लॉस के जीतता है और एक हारता है, लेकिन यहाँ पर विनिंग सिचुएशन के बावजूद अगर 138 का मैटर लेते हैं जिसके स्पेशल ट्रायल हमारे नेशनल लोक अदालत में, इसमें भी आप ध्यान दें तो अगर मैडम ने 2 लाख दिया तो कम क्यों ले, और 2 लाख अगर मैडम ने हथियार करवाया होता है मैडम को 3 लाख मिलता है, जैसा कह रहे 2.5 लाख में मान जाओ, तो एक तो एक्यूज है, एक तो उसने गुनाह किया और ऊपर से जैसा भी उसका साथ दे रहे, तो ये तो गलत मैसेज आएगा सोसाइटी को। प्लीज हम इस वर्चुअल बोर्ड के थ्रू जनरल पब्लिक को, एडवोकेट्स, हमारे लर्नेड एडवोकेट्स और जजेस एक फैमिली की तरह तो आपकी इस प्रॉब्लम को समझते हैं। उन्होंने पीटर्स इंस्ट्रूमेंट की गाइडलाइन भी पढ़ी है, उन्होंने री जो री एक्सपीडिशियस में सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में सुमोटो को ऑग्नियस किया 138 चेक बाउंस का, उसका संज्ञान भी पता है। ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन की तरफ से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के फुल बेंच की जजमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसका भी पता है। और इसीलिए चेक बाउंस केस में हम ऐसा नहीं सोचते, हम बॉबी की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हैं कि मार्केट रेट में कितना पैसा मिलता है वो बताते हैं, लेकिन हम एक्यूज को भी बताते हैं कि सर दामोदर प्रभु के हिसाब से 10% 15% का स्लैब है और नए अमेंडमेंट 143A 148 में आपको एडवांस में पैसा जमा कराना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि जैसा फील रहता है तो कोर्ट और 1 लाख रुपए का 1 रुपया भी दे सकते हैं। वो भी ने इसको क्रिटिसाइज किया है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है नाम नाम का तो सिर्फ क्रिमिनल रेमेडी है 138 से 141 जो बाद 147 जो बाद नहीं चुका, बेसिकली ये सिविल रेमेडी अगेन क्रिमिनल मैकेनिज्म है। सिविल रेमेडी का मतलब है कि जजेस को भारत की इकोनॉमी का ध्यान होना चाहिए, सिवा शक्ति की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मतलब जजेस को अपनी जजमेंट में एक पैरा ध्यान से सुन, जजेस को एक पैरा इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट का लेना चाहिए। नतीजा स्पेसिफिकली इंपैक्ट में जितने भी अमेंडमेंट हुए उसमें जजेस की डिस्क्रिप्शन काफी हद तक कम कर दी गई है। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट अलग क्यों बनाने पड़े, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक लगातार हमने इंप्रूव किया है, क्योंकि इस देश में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, नवीन कोहली की जजमेंट, दास्तानी वर्सेस दास्तानी की जजमेंट, एक यंग आदमी हमारे कोर्ट में आता है उसको बूढ़ा करके छोड़ देते हैं। सेक्शन 14 एक्सेप्शनल डेबिलिटी की बात करता है, अमरदीप प्रवीण को 6 महीने को वेव ऑफ करने की पावर लंदन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को देता है। आहूजा वर्सेस आहूजा, बत्रा वर्सेस बत्रा, रणनीश वर्सेस नेहा, इतने सारे बेहतरीन जजमेंट के बावजूद अगर कोई लिटिगेट हमारे पास खड़ा महसूस कर रहा है तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आज की नेशनल लोक अदालत में मैं आपका ध्यान वीडियोग्राफर को बोलना चाहूंगा, यहाँ आए अगर आप हिंदू बेंच एक्ट देखें, सेक्शन 22 में दिल है और 23 में दिमाग है, यानी कि हमारे एडवोकेट्स हमारे जजेस बहुत अच्छे से लेजिस्लेचर का मैंडेट को समझते हैं। हम कहां पर दिमाग ना लगाएं जहां भाई बहन ने शादी कर ली है, अब सेक्शन 11 में या तो वो वॉइड होगा, वैसे ही वॉइड है भाई बहन की शादी, सेक्शन 5 का 145 रेडी सेक्शन 11 व्हिच इज वॉइड, लेकिन भाई बहन कहते हैं नहीं नहीं हमें तो रिकंसिलिएशन के मीडिएटर साहब के पास भेजो, क्या हम भेजेंगे, क्या हम यहां दिमाग लगाएंगे, आंसर इज बिग नो। लेकिन जहां आपने दिल लगाना है, आप व्हाट्सएप वीडियो में हमेशा एक जज साहब को इस तरह देखते होंगे बच्चे को गोद में बिठा के, दिस इज द रोल ऑफ ऑर्डर 32A। अगर हम सीपीसी देखें, अगर हम यहां पर भी देखें सेक्शन 19 और सेक्शन 22 के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, 32A ऑफ सीपीसी, जजेस नॉर्मल कोर्ट में भी जब मैट्रिमोनियल मैटर हैंडल करते हैं या गवर्नमेंट का तो वो जज नहीं होते, उनको जो जजशिप की ट्रेनिंग है कि सीपीसी लगानी है सीआरपीसी वो नहीं होते, वो कुर्सी पे बैठ के भी सेटलर होते हैं गवर्नमेंट के केस में और मैट्रिमोनियल इशू। इसीलिए आज नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि एफकोन की जो जजमेंट है उसमें साफ लिखा गया ये कैटेगरी ऑफ केसेस है जिनको रेफरल जज एज ए जज मीडिएटर को भेजेगा।